कहानी जो वोल्गा से गंगा तक कितने ही मुल्कों से होती हुई यहां तक आई है, 8 बरस पहले शुरू हुई थी। हमारा छोटा सा शहर त्वेर बर्फ से ढका हुआ था और मैं एक लंबे और दुश्वार सफर के बाद अपने घर में बीमार पड़ा था। अरे मेरे परवरदिगार, ये क्या गजब हो रहा है? अरे तू मुझे क्यों दुख दे रहा है? बाप है अंधा, बहने बेचारे बिन ब्याही, माँ है तो बुढ़िया लाचार, और एक तू है कि फिरता है आवारा का आवारा। बदबख्त तू मेरा बेटा है कि दुश्मन? अरे मेरे खुदा, रहम कर हम लोगों पर। अरे क्या हो रहा है यहाँ? कुछ समझ में नहीं आता। क्यों? बस ठीक है माँ, कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं। और भी तो कई सौदागर हैं, न वो कहीं आते हैं और न वो कहीं जाते हैं, न तुर्किस्तान न ईरान, फिर भी देख मजे में हैं। महल जैसे तो घर बना लिए हैं, और एक तू है कि देश देश की खाक छानता फिरता है। अरे तू जरा तो शर्म कर। सारी दुनिया देखना चाहता हूँ माँ जी। दुनिया? क्या देखना चाहता है तू? तो इस दुनिया में यही तो है तेरी दुनिया, तेरा बाप, तेरी माँ, तेरा घर, तेरा हमसाये, बस यही एक संदूक, एक झोपड़ा और अपने बाल बच्चे, यही तो है तेरी सारी दुनिया। सुकून चाहिए बेटा तेरे दिल को, पूरा सुकून, वरना शैतान कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। सुकून माँ जी, सुकून। अरे उसे शरबत तो देकर आ। ए लड़कियों, तुम्हारा भाई अब कहीं भी बाहर नहीं जाएगा, दुनिया देखने चला था, बेवकूफ कहीं का। ठीक है, दुनिया कितनी ही बड़ी सही, घर फिर भी अपना घर है ना? अपना घर अच्छा हो तो कोई क्यों इधर उधर भटकता फिरे। ओ दुनिया शाह, अरे तुम तो बहुत अच्छे वक्त पर आए। आओ बेटी। चाची सलाम। अम्मा ने पूछा है कुछ चाहिए कि नहीं? इस समय तो कुछ नहीं चाहिए, मगर बहुत जल्द जरूरत पड़ेगी, बहुत जल्द जरूरत पड़ेगी। बस जरा उसे अच्छा हो जाने दो, फिर ना। शर्माओ मेरी बन्नो, खूब शर्माओ। ब्याह से पहले जो लड़कियां शर्माती हैं, बाद में वही हुक्म चलाते हैं। और वो कैसे हैं? अफनासिनी की दिन से गदागर बन जाओगे। सुनो अफनासी, एक नया धंधा सोचा है। अगले महीने अपने कई रूसी सौदागर यहाँ से बाकू तक जा रहे हैं। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। धंधा बहुत अच्छा है यार, इसमें मुनाफा बहुत होगा। रास्ते के सामान वगैरह का सारा बंदोबस्त मैं खुद कर लेता हूँ। नहीं जाऊंगा। तो फिर तुम मास्को चलते हो? कितने ही मुल्कों के सौदागर आए हुए हैं। नहीं जाऊंगा, कह तो दिया। मैं तो सुकून चाहिए बस दिल को, सुकून, वरना शैतान पीछा नहीं छोड़ेगा। ये गया काम से। जा रहा है सफीर बनाकर। मेरी राय यह है कि हम लोग भी उसके साथ मास्को चले चले। हाँ क्यों, ये क्या हो रहा है? वो तो हम फलसफे की बातें कर रहे थे, शैतान के बारे में। मैं तो कहता हूँ उसके सींग होते हैं। और ये बेवकूफ अफनासी कहता है नहीं, दुम होती है। बस कुछ यही बहस चल रही थी। मैं खूब समझती हूँ तुम्हारे शैतान को। मुझे तो डर लगे है। मैं तो भला इसमें डरने की बात ही क्या है? मखाइला, मखाइला, तुम तोहफे देना और फैदरा, तुम अर्जी पेश कर। क्यों समझ गए ना? Thank you.
क्या कहता है ये तातारी? दुम दबा कर भाग रहा है और कहता है हमारा मुकाबला करना लोहे के चने चबाना है। वसीली पापन, शाहरूस ने हम लोगों को यहाँ बुलाया है। आवा चलो। क्यों तुम ताजराने तुवेर का ये सफर कैसा रहा? शाहरूस के जेर साया हर तरह की सलामती है। आली जा ये अखीर तोहफे कबूल फरमाइए। पापिन हम तुम्हें शेरवान का सफीर मुकर्रर करते हैं। सर्दियों के बाद तुम्हें वहां जाने की तैयारी करना है। तुम दानिशमंद और जहां दीदा हो उनकी जुबान से भी वाकिफ हो और ये काम बहुत अहम है। मंजूर है तुम्हें? बंदा परवर, आपका हुक्म सर आंखों। कहो किन किन मुल्कों में हो आए हो तुम लोग? हुजूर मैं गंजा के सल्तनत हो आया हूँ। हुजूर मैं काफा गया था, वहाँ तिजारत की बड़ी मंडी है, दुनिया भर के सौदागर आते हैं। रूसी सौदागर कितने थे वहाँ? सिर्फ एक मैं ही था हुजूर। हमारे लोग सफर की अहमियत नहीं समझते। ऐसे बहुत से मौजूद रईस हैं जो घर से बाहर कदम रखना को या अपनी तौहीन समझते हैं। ये नहीं सोचते कि कितने मुल्क हैं जिनके साथ हमें तिजारत करनी चाहिए। मसलन हिंदुस्तान, कदीम तहजीब और तमद्दुन का मर्ज। हुजूर रास्ते में रेगिस्तान है। नहीं, असली खतरा समुद्री रास्ते में है। वहां लुटेरे पाए जाते हैं जो किसी को नहीं छोड़ते। वो हरगिज ये नहीं चाहते रूस के सौदागर हिंदुस्तान जैसे मालदार मुल्क के साथ तिजारत करें। ठीक है, फिर भी वहां पहुंचनी है। तुम कौन हो? अफनासी बिन निकितिन। ये नौजवान तो हजूर वाला कितने ही मुल्कों का सफर कर आया। ये तो इस कदर घूम फिर चुका है अली जा, किसका सर चकरा गया है। दुनिया का कोई मुल्क औरों से अलग नहीं रह सकता। हिंदुस्तान यहां से दूर है और यह सच है कि वहां का रास्ता बहुत दुश्वार है। मगर यह बात जहन नहीं रहे कि आज नहीं तो कल कोई मनचला वहां जरूर जाएगा। नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। तू क्यों अपने खानदान को तबाह करने पर तुला हुआ है? तू कहीं नहीं जाने दूंगी, जान दे दूंगी। लड़कियों तुम ही कहो इससे दुनिया। आशा बेटी तू समझा। तो क्या तुम सचमुच जा रहे हो अफनासी निकितिन? अरे मेरे परवरदिगार, अब तो रहम कर हम लोगों की हालत पर। हमें ये सजा क्यों मिल रही? हमने कौन सा गुनाह किया? आखिर ये हमारा बेटा दूसरे लोगों की तरह सुख और चैन से अपने माँ बाप के साथ क्यों नहीं रह सकता? इस बदबख्त को कुछ आकल तो परवरदिगार। ओ खुदा के लिए, क्या मेरा जी नहीं चाहता कि मैं एक जगह चैन से बैठूं? दिन रात यही दुआ करता रहता हूं, लेकिन मैं क्या करूं, मैं एक जगह नहीं बैठ सकता। कहां कहां मारा फिरेगा ये तो बता। हिंदुस्तान जाऊं? सोचो तो, हिंदुस्तान जहां कोई रूसी नहीं पहुंचा। बस ये मेरी आखिरी इल्तिजा है, मुझे इजाजत दो मां जी। Thank you.
यह हार तेरी नानी का था, हमारे पास और कुछ तो है नहीं। सफर में कभी जरूरत पड़े तो वैसे इसे हमेशा अपने गले में पहने रहना। चलो जी, अब तुम भी इसे खुदा के हवाले कर दो, किस्मत में यही लिखा था। होशियार राजा, सामने को जहाज आता है। देखो तो कितना तेज चला रहा है। ये कोई विदेशी जहाज है, ये कहीं तातार तो नहीं। नहीं, ऐसा तो नहीं लगता। हम सब तुएर के रहने वाले रूसी ताजर हैं। शाह शेरवान के सफीर खास हसन बेग रूसी ताजरों को सलाम भेजते हैं। हमारे आका ख्वाजा हसन बेग खुरासानी शाह रूस के दरबार से अपने वतन को लौट रहे हैं। खुदावंद नाम है शुमारा मशहूर आफाक सादा। खूब, तुमने शीरी जबान फारसी में गुफ्तगु की। शाबाश मरहबा, तुम जमादा मालूम होते हो। जनाबे वाला, मैं अफानासी निकीतिन न तो आलिम फाजिल हूँ न जमादा, मैं तो एक मामूली रूसी ताजर। तुमसे मिलकर बड़ी मसर्रत हुई। कहो, तुम्हारा काफिला किस मंजिल के लिए रवाना हुआ है? पहले खुरासान, फिर खुदा की मेहरबानी हुई तो हिंदुस्तान। हिंदुस्तान? मगर रास्ता दुश्वार है। अगर रास्ता आसान होता तो हम हिंदुस्तान का रुख ही ना करते ना। इंशाल्लाह, फिर कभी आपसे मिलने का इत्तफाक हुआ तो हमें बड़ी खुशी होगी। खुदा हाफिज अफनासी, किस्मत ने साथ दिया तो कहीं ना कहीं फिर मिलेंगे। अलविदा, जहाज आगे बढ़ाओ।
छोड़े। इस किताब में तुम क्या लिखते हो रात दिन? सफर के बारे में लिखता हूँ, वो हालात जो मैं देखता रहता हूँ। लगता है मैं हिंदुस्तान नहीं पहुंच पाऊंगा। क्या कहा? ऐसी बातें मला क्यों करते हो? यहां से निकलकर थोड़े ही दिनों में हम दोनों एक साथ हिंदुस्तान हो गए, समझे ना? तुम जैसा दोस्त कहां मिलता है, अब रास्ता अच्छा कटेगा। मशकें काट दी। ये तुम्हारा दोस्त उसी के शरारत है। क्या बकते हो? वो भला ऐसा क्यों करने लगा? क्यों करने लगा? अरे तुम भी चोर के साथी चोर हो। क्या कहा? एक गा तुम खूब जानते हो ऐसी बातों का क्या नतीजा होगा। छोड़ दो इसे, ये लो। दगा दे गया सरदार। सरदार घोड़ा चाहिए, बदमाश जाएगा कहां? चोर भाग गया, घोड़ा मत थकाओ। जाएगा कहां? ले लो। दूसरा भी रखो, चलो जल्दी करो, जल्दी जल्दी। अमरू बात बहन चढ़ाओ, ठहरो ठहरो, रुक जाओ। ये लो। मरहबा मरहबा, खुशामदीद, तशरीफ लाइए। खुदा हाफिज़। ये घोड़ा परदेसी कहाँ से आया? इसका घोड़ा तो बड़ा खूबसूरत है। अच्छा है, हिंदुस्तान में काफी दाम मिलेंगे, मगर तुमने थका दिया है। बहुत दूर से एक बदमाश का पीछा कर रहा था। तो मिला? नहीं, मगर वह मेरे हाथ से बच नहीं सकता। घोड़ों को पानी पिलाना है। अच्छा।
क्यों, क्या हुआ? मुझे बुखार चढ़ रहा है और यहाँ दर्द भी है। कोई दवाई चाहिए? नहीं, नहीं चाहिए। तो पानी पी लो। कहीं तुम्हें हैजा तो नहीं हुआ है? है भाई, किसको हो गया हैजा? हैजा? क्या हैजा? हैजा? हैजा, उसके पास मत जाओ। क्यों भाई, क्या देख रहे हो? परदेसी हूँ, परदेसी। साहब ये तुम्हारा घोड़ा? भाई शुक्रिया। कहो भाई, आए कहाँ से हो? रूस। रूस? इस देश का तो हमने कभी नाम नहीं सुना। यहाँ से बहुत दूर है क्या? बहुत ही दूर, दो बरस में पहुंचा हूँ। दो बरस? हाँ, और वो भी बड़ी मुश्किल। जन्मे लोक महान बड़े गुणवान के जैसे राम लखन भाई, महासती सीता जैसी माई, पवन सुत हनुमान को साई। जी जी जी, जी। जिनकी महिमा कही न जाए। हिंदुस्तान है प्यारे, हमारी जान है प्यारे, ये हिंदुस्तान है प्यारे, हमारी जान है प्यारे, हमारी आन हमारी बान हमारी शान है प्यारे, ये हिंदुस्तान है प्यारे, हमारी जान है। रानी कैकेयी ने घर में ऐसी आग लगाई, राज करे क्यों सौत का जाया, दशरथ को ये पट्टी पढ़ाई। हारे अपना वचन जो दशरथ, हरी भरी बगिया मुरझाई। पिता की आज्ञा पालन करने बन को चले राम रघुराई। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, वचन न जाई जी। वचन न जाई, निज प्राण जाए पर वचन न जाई जी 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 जी, निज प्राण जाए पर वचन न जाई जी जी जी। यह
हिंदुस्तान है प्यारे हमारी जान है प्यारे हिंदुस्तान है प्यारे हमारी जान है प्यारे। देख जमुना तट के संग सखियन के रास रचाए कृष्ण कन्हाई पायल छन के कई कंगना खन के पायल छन के कंगना खन के ब्रज में ऐसी धूम मचाई। ओ प्रीत के रंग में अमर नाचा प्रीत के धुन में धरती गाई प्रीत बिना कछु नाही जग में क्या पाया जो प्रीत न पाई। जब जब प्रेम की मुरली बाजी राधा दौड़ी दौड़ी आई दौड़ी दौड़ी आई दौड़ी दौड़ी आई दौड़ी दौड़ी आई राधा जी ये हिंदुस्तान है प्यारे हमारी जान है प्यारे ये हिंदुस्तान है प्यारे हमारी जान है प्यारे हमारी आन हमारी बान हमारी शान है प्यारे ये हिंदुस्तान है प्यारे हमारी जान है प्यारे ये हिंदुस्तान है प्यारे। पूछ रहो पूछ रहो। अरे रामू मुबारक हो सुना घर पे तेरवा बेटा हुआ है। जियो 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 जियो। अरे मंगू तुमने तो शरीर पे नारियल उगा रखा है। कौन कहता है सेठ लोग कंजूस होते हैं, तुम तो शादी लो भैया शादी। अंदर से दम। अरे भाई सुनो पैसा तो ले लो। ये सकाराम है परदेसी सकाराम, जो वो समझता है बस वही समझता है, दूसरा कोई नहीं समझता कि वो क्या समझता है। तुम्हें अपना घोड़ा वापस चाहिए, वो भी मिल जाएगा मगर एक शर्त है। फरमाइए सुबेदार साहब। तुम्हें एक ऐसा शरीफ और मौजूद आदमी पेश करना होगा जो तुम्हारी जमानत दे सके कि तुम काबिल एतमाद हो। ऐसा आदमी मैं कहां से ढूंढ कर लाऊंगा? और इसके लिए हम तुम्हें सिर्फ 4 दिन की मोहलत दे सकते हैं। धाम की यात्रा को चले गए हैं तो मेरी बच्ची के लिए सांप कटे की बूटी कौन देगा? बूटी बूटी तो वही देते हैं भाई, हम तो ये सब नहीं जानते। मेरी बच्ची की जान कैसे बचेगी? एक दवा है मेरे पास, ये सांप के काटे के लिए बहुत ही अच्छी है, अगर आप चाहें तो मैं आजमा के देखूं। बड़े महंत की मंदिर में नहीं है। अब तुम अपनी जड़ी बूटी आजमाओ। आओ तुम भी कौन है भाई? बस दुआ करो ठीक हो जाए। हौसला रखो।
चंपा अच्छी हो जाएगी। कहो गोरे भैया, काम बना? और दुकान है, चिंता ना करो, बैठ। कुछ खाओगे? खाने को जी नहीं चाहता। तुम तो बहुत जल्दी घबरा जाते हो भैया। तुम पर गुजरती तो जानते हैं। बड़े बूढ़ों ने कहा है कि पेट की पूजा भी किसी पूजा से कम नहीं है। जब ही तो अगले वक्तों में लोग ऐसे तगड़े होते थे जैसे हाथी। सवाल ताकत का नहीं है, सवाल इंसाफ का है। ताकत और इंसाफ, सुख और दुख, धन और दौलत, सब माया है माया। दुनिया में कोई चीज रहने वाली नहीं, एक चीज रहेगी, वह हमारे कर्म, वही काम आएंगे इस दुनिया में भी और अगली दुनिया में भी। जुल्म इस हद तक है। और तुम कहते हो गोरे भैया, इंसान अनजाने में जुल्म करते हैं, भोले बच्चों की तरह। जिस दिन इतना समझ गए जैसी करना। भाई खूब मुलाकात हुई, कहो हिंदुस्तान कब और कैसे आए? देख लीजिए, बस पहुंच गया। असद खान, ये है रूसी दोस्त अफनासी निकितिन, तीन समंदर पार करके हिंदुस्तान आया है। सफीर ईरान हसन बे रासानी का दोस्त, हमारा दोस्त। सलाम अलैकुम। कहिए सूबेदार साहब, अभी जमानत चाहिए कोई आपको? जमानत? कैसी जमानत, कौन सी जमानत? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जरा सी गलत फहमी हो गई। मेरा मुंह क्या देखते हो, जाओ हमारे मौजूद उसी मेहमान का घोड़ा ले आओ, जाओ। चलो। सुनना, इधर का रास्ता यही है? रास्ता तो यही है मगर पहुंचना ऊपर वाले के हाथ है। चंपा की माँ, अरे ओ चंपा की माँ, अरे देख तो कैसा पानी बरस रहा है। राम ने चाहा तो अब की धान की फसल बहुत अच्छी होगी। पानी तो अच्छा पड़ने लगा मगर अपने भाग के पड़े हैं। ए लड़कियों, बस करो, बात खेल कूद हुआ, चलो चलो जाओ। फसल अच्छी हुई भी तो क्या, घर तो बादशाह का ही भरेगा, अपनी किस्मत में तो वही तीन दाने। अरे पगली, चार महीने बाद क्या होगा इसकी फिक्र अभी से क्यों पड़ी है तुझे? इस समय तो सब ठीक ठाक है ना? तुम्हारे लिए तो सब ठीक ठाक है मगर उस बेचारे को तो देखो, जिसने तुम्हारा इतना भला किया वो पानी में खड़ा भीग रहा है। अरे किसकी बात कर रही है तू? वही घोड़ा परदेसी जिसने तुम्हारी बेटी की जान बचाई थी, वो देखो। वो घोड़े के पास? अरे हाँ, ये तो वही है, मैं अभी बुला के लाता। मोनी भी कितनी बलवान है। खूब मिले परदेसी, सचमुच तबीयत खुश हो गई। चंपा, ओ चंपा, आई। अरे भाग के आ। क्या है माँ? परदेसी को नमस्कार तो कर। अगर उसने तुझे दवा न दी होती तो सांप के जहर से मर गई होती। परदेसी बेटा आओ बैठो। थक गए होगे बेटा, आराम कर लो। चंपा बेटी चंपा, जरा आलगनी से मेरी नई धोती और पंडी लेके आ परदेसी के लिए। थकल लो, पाप क्यों करते हो बारिश। उस दिन भी तुम एकदम चले गए, हम तुम्हारा धन्यवाद भी न कर सके, तुम्हारा नाम तक न पूछ सके। जो कुछ मैंने किया वो तो मेरा फर्ज था, और नाम है मेरा अपनासी।
लाओ बेटा लो। ये सब आकर किस लिए? नहीं नहीं तकलीफ न करें, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अब इजाजत दीजिए। चंपा के बाबा, इस परदेशी को समझाओ तो, हमारे देश में एक दफा बरसात शुरू हो जाए तो महीनों बरसती है। ठीक कहती है चंपा की माँ। बेटा कल तक सारे रास्ते पानी और कीचड़ से भर जाएंगे, तुम्हें यहाँ से चलकर कहीं और रुकना होगा, तो यहीं क्यों नहीं ठहर जाते? आओ आओ बेटा, आओ आओ। देख के बेटा, तेरा सर से बाहर निकले। चंपा, ओ चंपा, यहाँ हूँ माँ। चंपा बेटा, हमारे बहनों के आओ। अरे चंपा की माँ, अरे देख तो इन कपड़ों में ये परदेसी कैसा दिखता है। अरे वाह वाह, ये तो बिल्कुल हमारी तरह हिंदुस्तानी लगता है। आओ बेटा बैठो। चंपा जल्दी खाना ला रही। बैठो। हाँ चंपा जल्दी कर। चाय ना हाथ बेटा। हम इस तरह अपने मेहमानों का स्वागत करते हैं। पहले मेहमान के सामने जाओ, तुम पानी ले आओ बेटा। तूने तो हमें बेदाम खरीद लिया है बेटा। हम दूसरी जात वालों के साथ भोजन नहीं करते, मगर तेरे साथ छूतछात कैसी? तू गैर थोड़े, तू तो अपना है। जात तो फिर हम दोनों की एक ही हुई। मेरा बाप भी तो खेती किया करता था। हाँ फिर खाना ठंडा होता है, खाना खा। हमारा खाना अच्छा नहीं लगा? नहीं, वाह वाह, ये खाना तो भाई बहुत ही अच्छा है। रहने दे बेटा। चंपा जा भाग के छाछ ला और देख कल से सब्जियों में मिर्चें बंद। अरे पियो बेटा। ये सब क्या हो रहा है? ये
कुछ नहीं कमी, कुछ नहीं। मैं सारी बातें जा रही थी। ओहो, तो फिर वही कुछ नहीं। भगवान, ये मेरी प्रार्थना है कि इस बरस ऐसी बरखा हो कि बस मूसला एक पल को भी न रुके, गांव के सारे रास्ते बंद हो जाएं और कोई भी परदेसी गांव से बाहर न जा सके। बस यही मेरी विनती है भगवान। कितने ही दिन से इंतजार करता रहा कि ये बारिश बंद हो तो मैं भीतर जा सकूं, मगर मेरा मन कहता, अरे पगले, जिस जीवन साथी की तलाश में तू उम्र भर पड़ता रहा वो तो यहां है। कितनी मासूम, कितनी प्यारी, जैसे सचमुच चंपा की नाजुक कली हो। मगर नहीं नहीं, इस चंपा की बदनामी होगी और लोग तेरे बारे में, तेरे बदनरूसियों के बारे में क्या कहेंगे।
नामुमकिन को मुमकिन बना सकती है। तुमने बड़ी होती है मेरी प्यारी भोली माँ, एक बार कहो तो सही तुम्हें वाकई मुझसे प्यार है ना? कहो ना, है प्यार? हाँ, इतना गहरा जैसे समंदर, इतना पवित्र जैसे गंगा जल, इतना सच्चा जैसे मोती। तो बता दी, मेरी शरीर की हयात बनना मंजूर है? कुछ तो कहो चंपा। नहीं परदेसी, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम परदेसी हो। तुम्हारा धर्म और है, मेरा धर्म और है। तुम्हारी दुनिया अलग है, मेरी दुनिया। इस जन्म में हमारा मिलाप नहीं हो सकता। परवरदिगार, क्यों हमारा मिलाप नहीं हो सकता? क्या तेरी दुनिया में मोहब्बत करना जुर्म है? वो दिन कब आएगा जब हमारे हाथ सच्चे होंगे? चंपा, 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 चंपा। जा रहा है। अच्छा, तो फिर उसे मेरा सलाम कर। अरे ओ चंपा, बुद्धि तो नाम को नहीं छोड़ती। जानती है परदेसी जा रहा है और फिर भी गायब। चंपा, अरे बाबा, ना जाने कहां चली गई। और जब उसे मालूम हुआ कि परदेसी उससे मिले बिना चला गया तो उल्टा हमसे लड़ेगी। क्या शादी हो रही? हाँ बेटा, चंपा का ब्याह अगली चांद रात तक हो जाएगा। चंपा बस इतना ही थी जब उसकी सगाई पक्की हो गई थी। लड़कियां इसी दिन के लिए तो जवान होती हैं कि अपना घर छोड़कर दूसरे का घर आबाद कर। तो उससे कह देना परदेसी यहाँ से चला गया।
गांव की आग तो बुझ गई और मन में जो आग लग रही है, चंपा से मिलूं? नहीं, बेहतर यही है कि मिले बिना हमेशा पीने को खत्म जाऊं। न जाने वो मुझे कभी याद भी करेगी। Thank you.
सब में राम समाया, सबसे कर ले प्यार जगत में कोई नहीं है पराया, रे तुझ मेरा भाई तुझ मेरा मुझ मेरा सब में राम समाया, सबसे कर ले प्यार जगत में कोई नहीं है पराया, रे तुझ मेरा। मंदिर ना वो मस्जिद ना काबे कैलाश, मन दर्पण में देख मूरत प्रभु तो तेरे पास, गोरी माटी भाई गोरी माटी काली माटी सब में उसकी छाया, सबसे कर ले प्यार जगत में कोई नहीं है पराया, रे तुझ मेरा। अरे जरा सा छू लेने से जिसका हो जाए अपमान, अंधी पूजा करने वालों को कैसा भगवान, जात पात भाई जात पात के भेदभाव में काहे जन्म गवाया, सबसे कर ले प्यार जगत में कोई ना, अरे प्रभु के घर से क्या तुमने मेहमान को दिया निकाल, मूरत भक्तों मंदिर से भगवान को दिया निकाल, पत्थर में तो अरे पत्थर में तो हरी दिखे इंसान में देख न पाया, सबसे कर ले प्यार जगत में कोई नहीं है पराया, रे तुझ मेरा भाई तुझ मेरा मुझ मेरा सब में राम समाया, सबसे कर ले प्यार जगत में कोई नहीं है पराया, रे तुझ मेरा। जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम कृष्ण हरि। चंपा से मिले बगैर ही एक परदेशी के लिए इसके अलावा और चारा भी क्या था। आज तुमने अपने मंदिरों के दरवाजे तो मेरे लिए खुलवा दिए सखाराम, लेकिन दुनिया में अब भी बहुत सी दीवारें हैं जो हमें एक दूसरे से जुदा किए हुए हैं। भैया जो कुछ तुम महसूस कर रहे हो उसे मैं अच्छी तरह समझता हूँ, जो तुम पर बीत रही है वो मुझ पर भी बीत चुकी है। हमारे देश की पुरानी रीत के अनुसार हमारा ब्याह नहीं हो सकता, उसकी जबरदस्ती शादी करा दी गई, लेकिन शादी की रात उसने जहर खा लिया और मुझे इस दुनिया में दुख सहने के लिए अकेला छोड़ दिया। ऐसा लगता है कि इस दुनिया में हर एक का दिल दुखी है, और मैं समझता था कम से कम तुम तो खुश नसीब हो। सब यही समझ मैं हंसता गाता रहता हूँ ना, पर गोरे भैया ये प्रेम और प्रीत ये तो बस चार दिन की लीला है, जिंदा रहते हैं हमारे कर्म। पहाड़ों में से खोदे हुए इन विशाल और सुंदर मंदिरों को देखो, कलाकारों ने मूर्तियों को तराशा है वो भी हमारी तरह प्रेम करते, उन्होंने भी दुख उठाया। आदमी मर जाता है उसके दुख सुख मर जाते हैं, पर उसका काम जिंदा रहता है।
बीदर की राजनर्तकी। इन प्राचीन चित्रों से नृत्य कला सीखने आई। ये तुमसे कह रही है, लोक प्रणाम मेरा परदेसी, कौन देश से आए तुम, रंग तुम्हारा ऐसा गोरा जैसे हों हंसन के पंख, नयन तुम्हारे ऐसे नीले जू गहरे सागर का रंग। जब आओ नगर हमारे, रखना याद मेरे घर के दर और द्वार, खुले रहेंगे तेरी खातिर जैसे सुंदर नयन बिरहन के, देखें सदा पिया की बाट। यहाँ से बिदर कितनी दूर होगा? यही तो है सामने शहर की फसील। क्या आप बता सकते हैं ये घोड़ा कहाँ बिक सकता है? ऐसा घोड़ा तो कहीं भी बिक सकता है। क्यों, हालत कुछ खराब है जो इतना खूबसूरत घोड़ा बेच रहे हो? बोलो क्या दाम लोगे इसके? अगर मुनासिब हुआ तो शायद मैं ही खरीद लूं। हाँ, मुझे तो सौदा करना है आप ही से। सही, एक खत लिख दीजिए जरा। जनाब साहब, कौन मैं, यानी कि हकीर फकीर मुंशी दिलगीर, और आपको लिखवाना है मुझसे खत? हाँ हाँ हाँ, क्या बात कही है। कहो किसके नाम लिखना? अगर अब्बा जान के नाम लिखना तो एक दिरम पड़ेगा, अगर बीवी के नाम लिखवाना है तो दो दिरम पड़ेंगे, अगर किसी दिलनवाज दिलरुबा महबूबा के नाम लिखवाना तो तीन दिरम पड़ेंगे। मैं सिर्फ एक खत लिखवाना चाहता हूँ सुल्तान के नाम। सुल्तान यानी जिले सुबह मालिक कौन मकान, अकलो दानिश कुर्बा, फरमा रवाए बीदरो बेदरमा, शाह मोहम्मद शाह शाहजहां। अच्छा, जब तुम मेरी इतनी इज्जत करते हो तो मैं तुम्हारा खत बिल्कुल नए कलम से लिखूंगा। अच्छा, और नहायत उम्दा दबीज और चिकने कागज पर, और ऐसी जबान में लिखूंगा कि दक्खन के शायर भी पढ़े तो गश खा के गिर पड़े, और इस सारे काम के दाम होंगे सिर्फ 10 दिरहम। मैं 5 दिरहम से ज्यादा नहीं दूंगा। क्या बात करें आप जनाब साहब, 4.5 दिरहम तो मैं सुबेदार के नाम खत लिखने के लेता हूँ। अच्छा, लो बस 5-9 दिरहम, 8-5-7-5, इस तरह भावताव कर रहे हो, जरूर कोई सौदागर। ठीक है। अच्छा तो 5.5 दिरहम, 5 दिरहम 3 दिरहम। वो तो परदेसी, लेकिन भाव बिल्कुल हिंदुस्तानियों की तरह करते हो। अच्छा खैर, लिखे देता हूँ। मलेकुल मुलूक शहनशाह शश विलायत, मुहाफिज ईमान आली नसीब, पनाह गरीब बादशाह दखन वाली हिंदुस्तान। मैं तो ये समझा था वो है सिर्फ सुल्तान बेदर के। भैया परदेसी, अगर इस तरह हम बिस्वेदार को तालुकेदार,
तालुकेदार को सूबेदार, सूबेदार बादशाह, अब बादशाह को शहंशाह लिखे तो रोटी कैसे चले। आप तो जनाब बड़े ही अकलमंद हैं, बड़े ही अकलमंद आदमी। अकलमंद को अकलमंद ही पहचानता है भैया। अच्छा तो बताओ क्या लिखूं मैं। फनासी दिन निकितिन आया हूं दूर दराज रूस। रे वाह, तुम समझते हो हमारे सुल्तान को हर ऐरे खैरे की दरखास्तें देखने के सिवा और कोई काम नहीं। जाओ जाओ यहाँ से, चलते फिरते नजर आओ। मैं सुल्तान से मिलने कहा हूँ। मैं कहता हूँ फौरन चले जाओ यहाँ से, वरना कैद खाने की हवा खाओगे। बड़ा आया राजदूत कहीं का। अरे साहब राजदूत मैंने आपसे कब कहा, मैं तो एक रूसी सौदागर हूँ। अच्छा सौदागर हो, तब तो पैसे की करामात खूब जानते होगे। अच्छा हो जाएगा। पीछे हटो। लक्ष्मी हमारे दरबार की आज नर्तकी है। इतनी रात गई? हाँ माफ कीजिएगा बेवक्त आया। क्यों? मैंने अपने नृत्य की भाषा में कहा नहीं था कि मेरे घर के द्वार हर समय तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। बैठो बैठो। शुक्रिया। अब तो मैं हिंदुस्तानी फलों की पहचान शायद समझ सकूं। तो बताओ उस दिन मेरा नाच कैसा लगा? वो तो बहुत ही खूबसूरत था। मैंने ऐसा कमाल अपनी उम्र में कभी भी नहीं देखा। सच पूछिए एक जादू था। सब नर्तकी की कला को देखते ही कोई उसके मन में झांककर नहीं देखता। सब उसकी पायल की झलकार को सुनते ही मगर कोई उसके दिल की पुकार को नहीं। ये तुम मुझे बहलाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन मैं जानती हूँ तुम भी यहाँ मेरी खातिर नहीं आए, अपने ही किसी काम से आए हो। क्यों ठीक है ना? आप समझ गए, मैं सुल्तान से तिजारत का परवाना लेना चाहता हूँ। लेकिन हमारे सुल्तान तो अभी बेसरपरस्ती में है। सल्तनत का सारा काम तो वजीर आसम महमूद गवा करते हैं, पर देसी आलिमों की उनके यहाँ बहुत कदर होती। बिदर का आलिशान मदरसा उन्हीं का बनवाया हुआ है और इसके बराबर वाले जंतर मंतर भी। भाई साहब जरा ये बताइए ये सब क्या है? ये धूप घड़ी है, देश देश का वक्त बताती है। तुम किस देश से आए हो परदेसी? रूस से। रूस जो ईरान के शुमाल मगरिब में है, बालगा नदी बहती है वहां। ठीक है ना? ठीक है। तुम पहले रूसी हो जिसे जिंदगी में मैं मिल रहा हूं। कहो किस मकसद से आए हो यहां? क्यों आया? ये मालूम करने के लिए कि हमारे मुल्कों के दरमियान किन किन चीजों का व्यापार हो सकता है। मुझे किसी ने मशवरा दिया है कि इस सिलसिले में यहाँ के वजीर आजम से मिलो। तिजारत की अहमियत को वो समझता है, सुना है बड़ा भला बहुत ही काबिल आदमी है। हाँ दुनिया कहती है। आओ देखो।
इस वक्त यहाँ 9 बजे। ये धूप घड़ी बताती है कि तुम्हारे मुल्क रूस में इस वक्त 7 बज रहे, सूर्य निकल रहा है। बड़ी अजीब चीज बनाई है। ओह, काश हम भी ये इल्म हासिल करते तो कितने आगे बढ़ जाते, कितने आगे बढ़ जाते। मेरे अजीज, इल्म के दरवाजे सबके लिए बराबर खुले, और मैंने तो सुना है कि तुम्हारे मुल्क में भी आलिमों की कमी नहीं। कहो, कितने समंदर पार करके आए हो? 3 समंदर पार करके आया हूँ, फिर भी अपने मकसद में कामयाबी हासिल नहीं हुई। तो क्या आप बता सकते हैं मैं महमूद गावा से कैसे मिल सकता हूँ? महमूद गावा? हमारे शहर में एक नहीं, 3-3 महमूद गावा है। एक है सौदागर, दूसरा तालिब इल्म, और तीसरा वजीर आजम। कहो, तुम किस महमूद गावा से मिलना चाहते हो? दिल में जाके उसे ढूंढना होगा। इससे ज्यादा आसान है 3 समंदर पार करना। अच्छा, तो फिर तुम्हारा वक्त खाम खा क्यों जाया करूं मैं? शुक्रिया, अब मैं चलता हूँ। दफ़ादानी, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। कहाँ रहता है वो परदेश? हम कुछ नहीं जानते। कहाँ ले चले हो? जल्दी करो। मैंने कहा जो ले लो। मैं वही तीसरा महमूद गवाह हूं जिसकी तुम्हें तलाश थी। कहो, क्या कहना चाहते हो? खुदा का शुक्र है, मैं तो ये समझा था मेरा सर उड़ा दिया जाएगा। ऐसा भी हो सकता है। दुनिया का सबसे अकलमंद इंसान भी सुबह को ये नहीं कह सकता कि शाम तक उसका क्या हश्र होने वाला। तो तुम दूर दराज मुल्क रूस से आए, किसने भेजा? भेजा तो किसी ने भी नहीं। आलीजा, तू यहाँ किस गरज से आए? तुम्हें वहां पहुंचाना हमारा जिम्मा है, मगर उसके बदले में तुम्हें हमारा एक छोटा सा काम करना होगा। वो क्या जनाब वाला? काम सिर्फ इतना है, विजयनगर की फौजी ताकत के बारे में हमें सही इत्तला देना, और खासकर ये मालूम करना ये राजधानी की हिफाजत का क्या बंदोबस्त। नहीं जनाब वाला, घबराओ नहीं, तुम पर भला कौन शुभ करेगा, और फिर हम तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दे सकते हैं।
1000 अशरफ क्या? नहीं जनाब वाला। 2000? नहीं। 4000? तो ये बात है जनाब वाला, बता मुझे जाने दीजिए। मैं यहाँ जासूसी करने हरगिज हरगिज नहीं आया था। जो विजयनगर से गद्दारी कर सकता है 4000 के लिए, वो अपने वतन को भी दगा दे सकता है 10000 के लिए। जानते हो तुम्हें कायल करने के लिए हमारे पास, तो इसका मतलब है खुदा की मर्जी ही थी। ये खुदा की मर्जी है? खुदा की मर्जी है कि इंसान इंसान का खून बहाए, अमीर ऐश करे और गरीब भूखे? नहीं, ये सब इंसान के अपने ही करतूत हैं, खुदा की मर्जी नहीं। हम तुम्हारी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं, फिर भी हम तुम्हारी साफ कोई और जुरत जब देते। और हमारा ख्याल है कि ऐसे लोगों से मेल जोल बढ़ाना हमारे मुल्क के लिए फायदेमंद साबित होगा। ये खत हमने अपने सुल्तान की तरफ से तुम्हारे बादशाह के नाम लिखा। हम तुम्हारे मुल्क के साथ तजारती ताल्लुकात कायम करने के लिए तैयार हैं। हम दुनिया में अमन के ख्वाहां हैं और इसीलिए खुदा से दुआ करते कि जिस रास्ते का तुमने आगाज किया है वो हमारे दोनों मुल्कों के दरमियान और मोहब्बत का रास्ता साबित हो। हम हर उस परदेसी का खैर मकदम करते जो तुम्हारी तरह अमन और मोहब्बत का पैगाम लेकर आए, मगर हमें लूटने की गरज से ना आए। आओ लो। शुक्रिया अलीजा। एक वादा करोगे? मैं आपसे वादा करूं? आज हमने जो तुम्हारा है उसके दिल और दिमाग में झांक कर देख लेना जरूरी है। हमने वही किया, हम चाहते तुम ये बात भूल जाओ। मैं तो भूल भी गया आलीजा। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं। मैं आपकी सलाह के बगैर अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकता था। मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। जाने से पहले आपका शुक्रिया अदा करना जरूरी था। कल सवेरे मैं जा रहा हूं यहां से। अब मुसाफिर को आगे बढ़ना चाहिए। शुक्रिया। बाजी मन का तोड़ दिया तेरी।
सो मैं 2 बरस हिंदुस्तान भर में घूमता रहा, शहर शहर, जंगल जंगल, गांव गांव। कितनी पुरानी तहजीब है यहाँ की, मगर सबसे अच्छे यहाँ के लोग, जो इनकी दोस्ती में कितना खुलूस है, इनके गीतों में कितनी मिठास है और कितना नारी जीवन घाघरी यमुने चातीरी राधाबाद। नहीं नहीं पैसे नहीं चाहिए, नमस्ते। अच्छा भाई शुक्रिया, नमस्ते 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 नमस्ते। अब मैं चलते चलते थक गया, मगर हिंदुस्तान से रुखसत होने से पहले एक बार फिर चंपा को देखना चाहता हूँ। सुना है उनके गांव में काल पड़ रहा है, नमस्ते भाइयों। चंपा का गांव, चंपा का घर, चंपा की आवाज। जल्दी जल्दी कदम उठाओ, थैला इधर और संदूक उधर। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या आप मुझे अपने जहाज पर हरमूज ले आ सकते हैं? हरमूज? जरूर जरूर, बड़े शौक से, मगर किराए में 10 दिनार देने होंगे। पैसा तो नहीं है मेरे पास, मगर इसके बदले में मैं काम कर सकता हूँ। चलो जल्दी जल्दी कदम उठाओ। मैं जहाज का सारा काम जो भी कहोगे करूंगा, दुनिया भर में घूमा हूँ, खाना भी पका सकता। मेरे पास काम करने वाले आदमी बहुत। चलो रास्ता नापो, काम करो। क्या कर रहे हो, मुंह देख रहे हो? जल्दी कदम उठाओ। ये तुम्हारा काम नहीं चाहिए, दाम चाहिए दाम। क्या तुम मुझे मजदूर रख सकते हो? नहीं नहीं नहीं।
कौन? अपनासी? अच्छा हुआ तुम आ गए, देखो बीमार पड़ा। ये तुम्हारा क्या हाल हुआ है दोस्त? मामूली बुखार है। बुखार चाहे कितना भी तगड़ा हो, मुझसे तगड़ा नहीं हो सकता। बड़ी मुद्दत के बाद मिले हो, कहां से आ रहे हो? बहुत घूम के आ रहा हूं, रूस वापस जाऊंगा। कोई जहाज वाला ले जाने के लिए तैयार नहीं। क्यों, पैसे नहीं है क्या? नहीं, दे डाले किसी को। सत्यानाश है इस कमजोरी का, बुखार समझता है मुझे दबा लेगा, पर सखाराम को दबाना आसान काम नहीं। तो तुम वापस जा ही रहे हो, बहुत याद आओगे भैया। क्या आप भी न्याय न्याय की फिक्र में पड़े रहते हो? ये सवाल भी तो कुछ ऐसा है। अरे मेरे भाई, इस दुनिया से मोह करना ही बेकार है। हम तो यहाँ दो घड़ी के मेहमान हैं, आज आए कल चल दिए। ये ठीक है, मगर हम भी तो इंसान हैं सखाराम। तुम ठीक कहते बोले भैया, हम इंसान हैं, जब ही तो अन्याय हम पर काबू नहीं करता। हमारे हिंदुस्तानी को देखो, इन हजार वर्षों में कितने ही विदेशी शहंशाह बादशाह फौजे लेकर आए, कैसे कैसे जतन किए उन्होंने हमारा नामो निशान मिटा, फिर भी हिंदुस्तान हिंदुस्तान ही रहा। उसने हर आने वाले को अपने अंदर समेट लिया, जैसे समुन्द्र दरियाओं के पानी को समेट लेता है। समझते हो गोरे भैया मैं क्या कह रहा हूं? समझता हूं, बस इसी एक वजह से तो अब मेरा ये जी चाहता है कि जल्द जल्द रूस वापस जाऊं और वापस पहुंचकर हिंदुस्तान के बारे में अपने हम वतनों को बताऊं। मगर न जाने कभी अपने वतन पहुंच भी पाऊंगा या नहीं। जाओ, जरूर जाओ। अरे जरा सुना लगा कर ध्यान, ये हिंद वालों की है पहचान, ये उनकी शान, जो घर आए कोई मेहमान, बिछाए नैन लाए प्राण, ये है मेहमान में ही भगवान, जी जी जी, ये है मेहमान में ही भगवान, जी जी जी, ये है मेहमान में ही भगवान, जी 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 जी। ये हिंदुस्तान है प्यारे, हमारी जान है प्यारे, ये हिंदुस्तान है प्यारे, हमारी जान है प्यारे, हमारी आन हमारी बान हमारी शान है प्यारे, ये हिंदुस्तान है प्यारे, हमारी जान है प्यारे। आराम मेरे अच्छे भाई, बहुत शुक्रिया। ये तुम क्या कर रहे हो भैया? हमें भुलाना नहीं। तुम तो बहुत याद आओगे सखाराम, तुम्हारी मेहरबानियां, तुम्हारी मेहमान नवाजी बहुत ही याद आओगे। फिर मिलेंगे सखाराम, दस्तीदानियां जरूर फिर मिलेंगे भैया, दस्विदानिया। फिर मिलेंगे जाने वाले यार दस्विदानिया, फिर मिलेंगे जाने वाले यार दस्विदानिया, याद दस्विदानिया, याद दस्विदानिया, यार गोतड़ पाने वाले यार दस्विदानिया, फिर मिलेंगे जाने वाले।
हटाए साथ जाएंगी तेरे। रात का दुश्मन मंदिर घबराना नहीं, तेरे यारों की दुआएं साथ जाएंगी तेरे। हट जाएगा हमारा प्यार दसवीं दानिया, हट जाएगा हमारा प्यार दसवीं दानिया, प्यार दसवीं दानिया, यार दसवीं दानिया। जाता है जाने वाले, दिल से जाएगा कहाँ दिल के बताने वाले। कल के दिन हम जो न होंगे तो बला से न सही, और होंगे तुझे सीने लगाने वाले। लौट कर ओ आएगा तू बार दसवीं दानिया, लौट कर आएगा तू तो बार दसवीं दानिया, बार दसवीं दानिया, प्यार दसवीं दानिया। जाने वाले यार दसवीं दानिया। Like, share and subscribe to TV Next Bollywood.